हेलो दोस्तों, क्या आप भी फ्रंट वॉकओवर सीखना चाहते हैं? अगर यस, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारी वीडियो थोड़ी सी टेक्निकली हो सकती है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले आ जाए। चलिए, वीडियो को और लंबा ना कीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रंट वॉकओवर सीखने के लिए कुछ स्किल हैं जो उनका बेसिक आपको आना चाहिए, जैसे कि हैंड स्टैंड में आपको लेग को स्विंग करना आना चाहिए। सेकंड है, आपको ब्रिज बनाना आना चाहिए। पर ये दो स्किल अगर आपको आती है अच्छे से, ना सही, थोड़ा बहुत भी आती है, तो भी आप इजीली फ्रंट वॉकओवर कर लोगे। तो अगर आपको हैंड स्टैंड नहीं आता, हैंड स्टैंड सीखना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं और हैंड स्टैंड सीख सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको ब्रिज बनाना नहीं आता, अगर ब्रिज बनाना सीखना चाहते हो, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो को देख सकते हो और ब्रिज बनाना सीख सकते हो। मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको हल्का फुल्का हैंड स्टैंड भी आता है और आपको ब्रिज बनाना भी आता है, ठीक है? तो हम उसके बेस पर हम फ्रंट वॉकओवर सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट वॉकओवर करने के लिए आपको लेग को स्विंग करना आना चाहिए, जैसे कि हैंड स्टैंड में आप करते हो इस तरीके से। इस तरीके से आपको हैंड स्टैंड करना है। हैंड स्टैंड में आपको दोनों पैर आपस में मिलाने नहीं है, ठीक है? आपको लेग्स ओपन करके ही आपको हैंड स्टैंड करना है। सेकंड, हैंड स्टैंड करने के बाद अब आपको जो चेस्ट है, जो हमारी जो चेस्ट है, आपको इस तरीके से बाहर की तरफ खींचनी है। इस तरीके से बाहर खींचनी है, हैंड स्टैंड किया आपने और चेस्ट को इस तरीके से खींचना है। देखिए, हैंड स्टैंड, चेस्ट खींचा, ये हैंड स्टैंड और चेस्ट खींचना है इस तरीके से। ये ड्रिल आपकी आपको प्रैक्टिस करनी है चेस्ट को खींचने की। जितने ज़्यादा आपके शोल्डर ओपन होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी चेस्ट को खींचने के लिए, ठीक है? तो इसके लिए शोल्डर की स्ट्रेचिंग करें, शोल्डर की मोबिलिटी करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। ओके, थर्ड क्या करना है हमें? हैंड स्टैंड कर लिया, चेस्ट को इधर खींचा हमने, अब आपको अपनी बैक को पीछे की तरफ फॉल करना है। आपको हैंड स्टैंड से ब्रिज बनाना है। तो जो चेस्ट हमने खींचा था, उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो आपका हैंड स्टैंड से ब्रिज है, काफ़ी कंट्रोल में होगा। अदरवाइज क्या होता है वो देखिए। अदरवाइज आपके साथ ये होने वाला है। तो हैंड स्टैंड कीजिए, चेस्ट को खींचिए, हैंड स्टैंड, चेस्ट, लेग। इस तरीके से आपको हैंड स्टैंड से ब्रिज बनाना है। हैंड स्टैंड किया, चेस्ट को खींचा, उसके बाद अपने नी को बेंड कर लें थोड़ा सा और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ गिरने दें। लेग को ध्यान रखो कि जो आपका पंजा है उसको टाइट रखना है, ढीला नहीं छोड़ना। तो देखिए, हैंड स्टैंड, चेस्ट, लेग बेंड, देन प्लीज। इस तरीके से आपको ब्रिज बनाना है। इस तरीके से आप ब्रिज बनाओगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है फ्रंट वॉकओवर करने का, खुद ब खुद काफ़ी अच्छा हो जाएगा। स्विंग लेग आपका पीछे की तरफ लैंड होगा और आपका जो पुशिंग लेग है उस पर आपका वेट नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको कोशिश करनी है कि एक ही लेग पर ब्रिज बनाओ। अदरवाइज आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंड स्टैंड किया, दोनों पैरों को बैंड कर दो और इस तरीके से आपको दोनों पैरों पर लैंड करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपके माइंड का जो डर है ना पीछे घूमने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जो अभी मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसको फॉलो करके ही आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो अब देखिए क्या करना है। अब आपको हैंड स्टैंड किया, ब्रिज बना लिया, दोनों पैरों को मिलाना है और आपको सीधा खड़े होने की कोशिश करनी है, ठीक है? आगे की तरफ बॉडी वेट शिफ्ट करते हुए, लेग पर बॉडी वेट शिफ्ट करते हुए आपको सीधा खड़े होने की कोशिश करनी है। तो देखिए किस तरीके से, हैंड स्टैंड, ब्रिज,
अब देखिए ब्रिज अच्छे से बन गया। अब अपने बॉडी वेट को पंजों की तरफ शिफ्ट करो और धीरे धीरे हाथों को अंदर खींचो, एक हाथ डालो, उसके बाद घुटने को सीधा करो। घुटने को सीधा करना है, मेन क्या है हमारा जो नी है, नी हमारा इस तरीके से बैंड रहेगा, हिप को ऊपर की तरफ उठाना है। अब देखो मैं जो मेरे नी है उसको सीधा करूँगा, मैं अपना आप ही ऊपर आ गया। इसी तरीके से हमें ब्रिज वाली पोजिशन में भी करना है। पहले ब्रिज बनाया, बॉडी वेट को पंजों पर शिफ्ट कर दिया, हाथ जमीन पर है, धीरे धीरे हाथों को एक अंदर लेके आओ, उसके बाद एक हाथ को हटा लो बैक पर सपोर्ट के लिए। और जो नी बैंड है आपके, जहाँ पर भी आपके नी बैंड है वहीं से आपको सीधा कर दो, बॉडी खुद को खुद ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो दोबारा देखिए मैंने कैसे किया, हैंड स्टैंड जस्ट ब्रिज, पंजों पर लैंड करना है, बॉडी वेट शिफ्ट, हाथ अंदर, एक हाथ हटाए, टाइट पर लगा लो, हैमस्ट्रिंग पर लगा लो और नी को सीधा करें। ये देखो नी मैंने सीधा किया और उठ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपको हैंड स्टैंड बना के ब्रिज बनाना आ गया और आपको उठना आ जाए, इसके बाद आपको डायरेक्ट हैंड स्टैंड से ब्रिज बनाना है और ब्रिज बनाते ही खड़े होने की कोशिश करनी है। तो देखिए किस तरीके से करना है, हैंड स्टैंड किया, पैर रखकर और खड़े होना है इस तरीके से। इस तरह से आपको खड़े होने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आपका इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आपको वन बाय वन लेग लेके जाने हैं, ठीक है, और एक ही लेग पर खड़े होने की कोशिश करनी है। सबसे मेन काम क्या है हमारा, जैसे ही हमने पंजा रखा, पंजा रखने के बाद हमारे नी को सीधा करना है ऊपर की तरफ। अगर आप नी को बैंड छोड़ दोगे तो क्या होगा वो देखिए, अगर आपने नी को बैंड छोड़ दिया तो इस तरह की एक पोजीशन आ जाती है जो कि बहुत भद्दी सी लगती है, ठीक है। तो आपको नी को ढीला नहीं छोड़ना, पंजा रखा आपने और पंजा रखते ही ऊपर की तरफ उठना है। तो एक बार देखिए किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, हैंड स्टैंड जस्ट लेग, अब नी को सीधा करो ऊपर की तरफ, नी को सीधा करो, हिप को उठा के रखना है, हिप को लूज नहीं छोड़ना। जैसे ही आप हिप लूज छोड़ोगे आप वापस नीचे आ जाओगे। तो इसको बार बार उठने की कोशिश करनी है आपको, अपने अंदर से एफर्ट लगाना है उठने के लिए। देखिए देखा मैंने नी को सीधा करा बस और कुछ नहीं किया। दोबारा देखिए ये लेग रखा, नी को सीधा कर दिया, ऊपर की तरफ आ गया मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, हिप लूज नहीं छोड़ने पर। अगर आप हिप लूज छोड़ते हो तो देखिए लेग रखा और लूज छोड़ दिया हिप को, तो वापस नीचे बैठ जाओगे। तो हिप को भी उठा के रखना है, लेग रखते ही नी को सीधा करना है, ठीक है। तो देखिए दोबारा से लेग एंड सीधा, अब इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपको ब्रिज वॉकओवर करना है। एक बात और जो कि मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने इस तरह से प्रैक्टिस की है, लेकिन आपको एक चीज़ और करनी है। जैसे ही आप खड़े होते हो तो अपने हाथों को सीधा करके रखना है, अपने हाथों को हमेशा कान के पास मेंटेन करते हुए आपको खड़ा होना है। यानी जैसे हाथ ब्रिज होंगे ना, ब्रिज पर होते हैं, वैसे ही आपके बिल्कुल हाथ सीधे उठने चाहिए इस तरीके से, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो। बाकी अगर नॉर्मली फ्रंट वॉक ओवर करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर जिमनास्टिक करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर जो हैंड की पोजीशन है उसको भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो मैं आप कोशिश करके दिखा सकता हूँ, मेरे से होता नहीं है वैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब सीखोगे तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है, इससे और अच्छा लगता है ब्रिज वॉक ओवर, ठीक है। और कुछ नहीं, तो देखिए हैंड हाथों को भी एक साथ उठाने की कोशिश कर रही है, तो फ्रंट वॉक ओवर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका।
होप यू गाइस इंजॉय दिस वीडियो। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको फ्रंट वॉक ओवर सीखने में तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही और ब्रिज वॉक ओवर और भी अदर स्किल सीखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जाके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी ईजी तरीके से मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं और आपको वहाँ पर आप वहाँ से सीख सकते हो। तो जल्दी से फ्रेंड आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि हमारे आने वाली किसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले आ जाए और आप वीडियो मिस ना करो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।